हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे एसी एनालिसिस। ये एसी एनालिसिस का वीडियो नंबर 2 है स्टूडेंट, ये आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में जो पार्ट 1 में कवर किए थे उसके बाद वाला पोर्शन को पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं स्टूडेंट। तो चलो सॉल्व करते हैं। एक आपका सर्किट दिया गया है, ये आपका वोल्टेज है और इस सर्किट में आपका करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस पर आपका एक एलिमेंट लगा हुआ कैपेसिटर। तो आपको फाइंड आउट करना है यदि वोल्टेज इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है स्टूडेंट, तो करंट आपका क्या होगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटर। तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपका करंट क्या करेगा कैपेसिटर के केस में, लीड करेगा 90 डिग्री लीड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। वोल्टेज की तुलना में कैपेसिटर का करंट क्या होगा लीड होगा, कितना डिग्री लीड होगा 90 डिग्री लीड होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपका इक्वेशन यदि इस तरह पूछे और पूछे कि करंट का इक्वेशन क्या होगा तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस पॉइंट को आपको टिक आउट करना है। चलो आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल हो रहा है कैपेसिटर के बीच में आपका 90 डिग्री होगा स्टूडेंट। तो एवरेज पावर या तो एक्टिव पावर पूछे या तो रियल पावर पूछे, तीनों का नाम सेमी है। तो एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वी आई कॉस फाई होता है, दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। इसका मतलब है कि कैपेसिटर के केस में आपका एक्टिव पावर जो होगा स्टूडेंट वो आपका 0 होगा और अपेरेंट पावर जो होगा वो लीडिंग ऑफ रिएक्टिव पावर होगा। ये आपको याद रखना, ये दोनों आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है स्टूडेंट आपका कैपेसिटर के केस में क्या होता है करंट लीड करता है, बट इंडक्टर के केस में हम पिछले वीडियो में बताए थे करंट क्या करेगा लैग करेगा, कितना डिग्री लैग करेगा 90 डिग्री लैग करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर में करंट लीड करता है बट इंडक्टर के केस में क्या होता है लैग होता है। ये दोनों पॉइंट को आप बेहतरीन ढंग से याद रखोगे, यहां से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपसे पूछे आपको बताए थे स्टूडेंट पिछले वीडियो में कि एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वाट होता है, अपेरेंट पावर का जो यूनिट होता है वो आपका वोल्ट एम्पियर होता है और रिएक्टिव पावर का यूनिट जो होता है वोल्ट एम्पियर रेटेड होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो स्टूडेंट एक फॉर्मेट बताते हैं। कोई भी आपका फॉर्मेट यदि रेक्टेंगल फॉर्मेट में रेक्टेंगल फॉर्म में दिया गया है, जेड इक्वल टू 3 + j4 दिया गया है, इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि आपसे पोलर फॉर्म में पूछे डिमांड करे कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो पोलर फॉर्म में जब भी निकालोगे स्टूडेंट तो इस रेक्टेंगुलर फॉर्म का मैग्नीट्यूड निकालोगे और एंगल निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर करोगे तो आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड इस रेक्टेंगुलर फॉर्म का जो आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा स्टूडेंट वह 5 होगा। एंगल जो होगा वह आपका 10 इनवर्स आपका इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट डिवाइडिंग बाय द रियल पार्ट का कोफिशिएंट। तो 10 इनवर्स 4 / क्या होगा 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल आपको मिलेगा 53 डिग्री। ये आपको याद रखना। इसका मतलब ये यदि रेक्टेंगल फॉर्म में दिया गया है इसको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा 5, एंगल होगा 53 डिग्री। इसका मतलब ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, ये आपका पोलर फॉर्म में। यदि वाइस वर्सा स्टूडेंट यदि आपका पोलर फॉर्म में दिया जाए और रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे ये आपका क्या है पोलर फॉर्म में है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, थीटा आपका एंगल है। तो यदि इसको हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड के जगह पर मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, थीटा आपका ब्रेक होगा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। चलो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। यदि आपका 5 एंगल 45 डिग्री है, 5 मैग्नीट्यूड है एंगल 45 डिग्री है, इसको रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए एग्जाम में तो 5 cos 45 प्लस j sin 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/√2 प्लस 5/√2 j होगा। ये आपका पोलर फॉर्म था, इसी को कन्वर्ट किए तो ये आपका आया रेक्टेंगल फॉर्म। तो वाइस वर्सा यदि पोलर फॉर्म में दिया गया है रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोले ये फॉर्मूला का यूज करोगे, यदि रेक्टेंगल फॉर्म में दिया गया है तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो मैग्नीट्यूड एंगल निकालोगे, इस तरह करके फॉर्मेट में लिख डालोगे। चलो स्टूडेंट एक आपका प्रॉब्लम दिया गया है, ये आपका पोलर फॉर्म में दिया गया है, Z1 इज इक्वल टू A एंगल थीटा 1, Z2 आपका B एंगल थीटा 2 दिया गया है। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। आपसे पूछेगा कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 क्या होगा, तो ये आपको याद रखना होगा Z1 मल्टीप्लाई Z2, तो Z1 का वैल्यू है A मैग्नीट्यूड एंगल थीटा 1, Z2 का वैल्यू है B एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी B मैग्नीट्यूड एंगल थीटा 2।
तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट मैग्नीट्यूड को आपस में गुना कर लेना, तो ए गुना बी हो जाएगा और एंगल आपस में क्या हो जाएगा, जब गुना रहे तो एंगल आपस में क्या होगा, एड होगा, इसका मतलब थीटा वन प्लस क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा, ये आपका रिजल्टिंग एंगल हो जाएगा, थीटा वन प्लस क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। चलो यदि आपसे पूछे कि जेड वन बटा जेड टू निकालो, तो जेड वन का वैल्यू क्या होगा, ए एंगल थीटा वन होगा, जेड टू का आपका एंगल होगा बी एंगल थीटा टू होगा, इसका मतलब स्टूडेंट जेड वन बटा जेड टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बटा बी, और आपको इसको क्या करना है, थीटा वन माइनस क्या करना है, थीटा टू करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल आपका सब्ट्रैक्शन होगा और मैग्नीट्यूड आपका ऑलवेज क्या होगा, डिवाइड होगा, ये कंडीशन आपको याद रखना होगा। इसका मतलब है ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म का कुछ कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को बनाने के लिए बोले तो इस तरह करके बना लेंगे। चलो स्टूडेंट आप देखते हैं सीरीज आर एल कॉम्बिनेशन, दो आपका एलिमेंट है आर और एल, वह आपका सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका आपका मैग्नीट्यूड वोल्टेज क्या होगा ये समझना है। इसका मतलब जब भी सीरीज कनेक्शन होगा स्टूडेंट आर और एल, तो करंट आपका सेम होगा, वोल्टेज आपका निकालना होगा, ये नेट वोल्टेज क्या होगा। तो आपको ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि आपका ये वेक्टर एडिशन का नोटिफिकेशन है, तो नेट वोल्टेज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल का वेक्टर सम। इसका मतलब स्टूडेंट आपको बताना है कि करंट आपका सेम होगा तो रिफरेंस लाइन हम लोग करंट कंसीडर करेंगे, और जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर होगा वी आर होगा। बट आपका इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करता, लीड करता, कितना डिग्री लीड करता, 90 डिग्री लीड करता, इसीलिए वी एल का जो डायरेक्शन होगा अपवर्ड होगा, दोनों के बीच में जो निकलेगा वह नेट निकलेगा, उसको बोलेंगे वी नेट। तो इसको डॉटेड लाइन से प्लॉट कर लेंगे स्टूडेंट, यदि ये वी एल होगा तो ये वी एल होगा, ये आपका वी आर होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो वी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, VL का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर स्टैंड में यदि जेड नेट निकालने के लिए बोले स्टूडेंट, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का क्या होगा, स्क्वायर होगा। कॉस फाई का वैल्यू निकालने के लिए बोले, यही आपका पावर फैक्टर है, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, बेस डिवाइडिंग बाय द परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस होगा, तो VR बटा वी नेट होगा, ये आपका पावर फैक्टर होगा। यदि इसको आपको इंपेडेंस के फॉर्मेट में लिखना है, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, आर बाई क्या होगा, जेड होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, सीरीज आर एल आर सी कॉम्बिनेशन, यदि आर और सी का कनेक्शन सीरीज में हो तो आपका वी नेट का वैल्यू क्या होगा, तो वेक्टर सम वी इज इक्वल टू वी आर प्लस क्या होगा, वी सी होगा। अब इसको यदि हम लोग फेजर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका करंट एक्सिस होगा, करंट आपका जीरो एंगल में होगा, यदि आपका जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप वी आर होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, ये आपका क्या करेगा, वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर के केस में, आपका स्टूडेंट क्या करेगा, लैग करेगा, कितना डिग्री लैग होगा, 90 डिग्री लैग होगा, इसीलिए आपका नीचे है वीसी। तो वीनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका वीनेट है, तो वीनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीआर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, इसको याद रखना है। जेड इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ये आपको याद रखना है। ये आपका नेट वोल्टेज है, ये आपका इंपीडेंस है, कॉस फाई इक्वल टू वीआर बाय वीनेट होगा। सिमिलर स्टैंड में कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, आर बाई जेड होगा, इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। चलो स्टूडेंट आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब यदि कोई सर्किट आपका आर एल सी सीरीज सर्किट रहे और उसमें आपका वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो सीरीज आर एल सी सर्किट में आपका कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो आर और एल और सी का कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है, ये आपका आर है, ये आपका एल है, ये आपका सी है, इसके अक्रॉस ड्रॉप वी आर होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप वी एल होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप वी सी होगा। इसका मतलब आपका स्टूडेंट फेजर डायग्राम यदि ड्रॉ करना चाहते हो, तो करंट जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा, बट आपका क्या होगा, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है तो इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, नीचे होगा। चलो तो वेक्टर सम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर होगा। अब यहां पर केस लेना होगा, केस नंबर वन में यदि स्टूडेंट वी एल इज ग्रेटर देन वी सी रहे तो आपका रिजल्टिंग कहां शिफ्ट होगा, अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये आपका वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, ये आपका वी आर हो जाएगा, यहां से आपका रिजल्टिंग निकलेगा, तो ये आपका वी नेट होगा। तो इधर आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आपका वी एल वी एल माइनस वी सी होगा, तो ये आपका वी एल माइनस वी सी होगा, ये दोनों के बीच का एंगल जो होगा फाई होगा, तो वी नेट यदि निकालना चाहेंगे तो रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है, इसको याद रखना है। जेड नेट इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वी एल ग्रेटर देन क्या है, वी सी है।
cos phi का वैल्यू क्या होगा, r by z होगा, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। ये आपका जो पावर फैक्टर होगा स्टूडेंट, इस केस के लिए लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और cos phi इक्वल टू क्या होगा, vr by vnet होगा, इसको आपको याद रखना है। तो इस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर होगा, बट इस केस में यदि vl लेस देन vc रहे स्टूडेंट, तो इसका नेट डायग्राम नीचे शिफ्ट होगा, vc माइनस vl होगा, ये आपका vr होगा, vnet इज इक्वल टू vr का स्क्वायर प्लस vc माइनस vl का होल स्क्वायर होगा। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब vl लेस देन vc है, znet तभी वैलिड है जब r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर होगा, जब ये कंडीशन आपका क्या होगा स्टूडेंट, xl इज लेस देन क्या हो, xc हो, ये भी आपका वही कंडीशन से आता है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका इस केस में xl इज ग्रेटर देन क्या होगा, xc होगा, और इस केस में xl इज लेस देन क्या होगा, xc होगा, और cos phi का वैल्यू r / z होगा, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। cos phi का अनदर फार्मूला vr / vnet होगा, इसको बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। इसका मतलब इस केस में आपका लैगिंग पावर फैक्टर आएगा, इस केस में आपका लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो आपको यह सब फॉर्मूला को याद रखना है। तो कौन कौन सा फॉर्मूला को याद रखना है, तो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट क्या करता है, लीड करता है, वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, वोल्टेज का इक्वेशन ये रहेगा तो करंट का इक्वेशन ये होगा, ये आपका फेजर डायग्राम है, एवरेज पावर जीरो होता है, अपेरेंट पावर लीडिंग रिएक्टिव पावर होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ कॉन्सेप्ट लिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे आएगा, यदि पोलर फॉर्म में दिया गया उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यदि इस तरह का बेसिक कोई प्रॉब्लम दिया जाए एग्जाम हॉल में तो जेड वन गुना जेड टू दिया जाए तो मैग्नीट्यूड को गुना करेंगे, एंगल को ऐड करेंगे, डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, एंगल को घटाएंगे, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना है, इससे प्रॉब्लम आया हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, यदि आर और एल का कनेक्शन सीरीज में हो तो वी नेट और जेड नेट का वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, और सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन में आपका आर और सी का कनेक्शन यदि सीरीज में रहे तो आपका वी नेट और जेड नेट का वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, सभी चीज को बारीकी से ध्यान देके सॉल्व करके जाना है। सीरीज आरएलसी सर्किट में आपका यदि केस नंबर वन का एनालिसिस करना है, वीएल इज ग्रेटर देन वीसी रहे तो ये आपका एनालिसिस हो जाएगा, वीएल लेस देन वीसी रहे तो ये आपका एनालिसिस हो जाएगा। एक कंडीशन अभी भी बचा हुआ है, यदि वीएल इज इक्वल टू वीसी रहे तो उस कंडीशन में आपका रेजोनेंस होता है, वो आपको क्या बताएंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक टोटल फॉर्मूले को बार बार रिविजन करना है, और यहां से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे कि आप रिविजन करो, फॉर्मूले को बार बार लिखो, फॉर्मूले को याद रखो, तो यदि याद रख पाओगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप इस तरह का न्यू वीडियो का लाभ उठा सको। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।